जय हिंद। अलजबरा का सीरीज आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसमें आज हम लोग करेंगे जीपी। एपी का थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो। आगे ये वीडियो है जीपी के लिए कि जीपी क्या होता है। देखिए ध्यान से कह रहा है कि इफ A1, A2, A3, A4 अप टू AN आर इन जीपी। इसके पहले एपी वाला हम पढ़े थे कि ये एपी में था तो क्या होता था कि दोनों का लगातार जो टर्म है इसका डिफरेंस निकालते थे, मतलब A2 माइनस A1 निकालते थे, A3 माइनस A2 करके निकालते थे, तो वहां पे कॉमन डिफरेंस निकालते थे। ये जीपी है तो अगर अगर ये जीपी में है, जो सीरीज दिया हुआ वो जीपी में है, तो इसका जो कॉमन रेशियो होगा, जो CR होगा, जिसको CR बोला जाएगा कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा तो A2 by A1, ये A3 by A2, ठीक है, A4 by A3, मतलब कि सेकेंड इसके आगे वाले टर्म को इसके पहले वाले टर्म से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे देखिए A1 A2 है ना, तो जो आगे वाला है A2, A2 को A1 से भाग दे दिए। कोई भी दो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म उठा लीजिए और दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। ध्यान यही रहेगा कि पहले लिखना है आगे वाला, उसके नीचे लिखना है बाद वाला। तो ये जो रेशियो आएगा ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अगर किसी सीरीज का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है तो आप कहिएगा कि वो सीरीज जीपी में है, ठीक है। और उसका उल्टा भी सही है कि अगर ये सीरीज जीपी में है तो जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। ज्यादा क्लियर होगा इस एग्जांपल से। जैसे आपको दे दिया है 3, 6, 12, 24 इस तरह से दे दिया है, ठीक है। पूछ देगा क्या यह सीरीज जीपी में है कि एपी में है, चाहे इस तरह से जो सीरीज दिया हुआ है कह देगा कि आर इन जीपी देन फाइंड सीआर, मतलब कॉमन रेशियो इसको बताइए, इसका कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, सीआर कैसे निकलेगा। देखिए तो अगर ये जीपी में है, क्वेश्चन दिया है कि अगर ये जीपी में है तो इसका सीआर बताइए, तो सीआर निकालने के लिए क्या होगा, सेकंड वाले को फर्स्ट से भाग दीजिए, मतलब 6/3 या 12/6 चाहे 24/12, इसको देखिए काटिए, सब सेम आएगा, सब सेम आएगा, 12 × 24 इसका कॉमन रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसका उल्टा भी आपको समझना है कि जो सीरीज दिया हुआ है अगर उसका आप कॉमन रेशियो निकाल के देख लीजिए, अगर कॉमन रेशियो सेम है माने तो आप कहिएगा कि जो सीरीज दिया हुआ क्या है, जीपी का है, आ गया समझ में। तो ये जीपी था। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है कि इफ माने जीपी का अगर ये फर्स्ट टर्म, देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से क्या है, लास्ट है। तो जीपी का अगर फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म यदि ए है और कॉमन रेशियो आर है, ठीक है, और लास्ट टर्म ये आपका एल है, तो आपको जीपी क्या मिलेगा, जीपी आपको मिलेगा ए AR, AR स्क्वायर, AR क्यू, AR 4, डॉट 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 डॉट, आगे मिलेगा L, मतलब लास्ट टर्म मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए पहला टर्म है A, दूसरा टर्म क्या है AR, तीसरा टर्म क्या है AR का पावर 2, मतलब ये टर्म है थर्ड, लेकिन R क्या है इससे एक कम है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लास्ट वाले टर्म का बात करें कि एल टर्म क्या होगा, इसका अंतिम टर्म क्या होगा, तो जो अंतिम टर्म होगा ये आपका मिलेगा ए, ये तो मिलेगा, ए सब में है, और आर का पावर क्या मिलेगा, एन माइनस वन, ठीक है, ये लास्ट टर्म है ना। आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका टी एन मिलेगा लास्ट टर्म, अच्छा है इसको आप बोलिए ए एन, ये आपको मिलेगा a इंटू आर का पावर n माइनस वन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, यहां मिटाते हैं, जगह की कमी है, क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दे, सीरीज यहां मान के चलिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2, 4, 16
इस तरह से दिया हुआ है, बोलेगा कि इसका सीरीज इतना का ग्यारहवां है ना पद क्या है, ठीक है। बोलेगा कि जो सीरीज दिया हुआ है इसका इलेवेंथ पद क्या होगा, टर्म क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले का काम है आपको कि देखना जो सीरीज दिया हुआ है वो जीपी में है कि एपी में है। जीपी में रहेगा तब इससे बनेगा, एपी में रहेगा तो आप एपी वाला कंसेप्ट लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंस निकाल के देखिए तो चार में से दो गया दो, आठ में से चार गया चार, सोलह में से आठ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, रेशियो यहाँ सेम है। देखिए सीआर पहले निकाल लीजिए, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, तो चार बट्टा दो आठ बट्टा चार, सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है, बस दो निकाल लीजिएगा उसी में पता चल जाएगा, क्योंकि आगे सब तो बराबर ही आएगा। कट गया कितना बार में, दो बार में, यानी कि कॉमन रेशियो आपका क्या आ गया, दो आ गया। आपसे पूछा है ग्यारहवां पद क्या है, देखिए तो अंतिम पद एनवा पद क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो आपसे ग्यारहवां पूछा है टी इलेवन पूछा है, तो टी इलेवन क्या हो जाएगा, ए इंटू आर का पावर इलेवन माइनस वन। ध्यान दीजिएगा, देखिए n था तो r, और r का पावर n माइनस वन, तो n के जगह पर, n के जगह पर क्या हो गया इलेवन, तो r का पावर इलेवन इलेवन माइनस वन। अब यहाँ a का वैल्यू रख दीजिए, तो इस सीरीज का a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है दो है, तो यहाँ पर रखिएगा टू इंटू r, r कितना आ गया दो का पावर ग्यारह, ऐसे लिख दीजिए ग्यारह में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा दस, इसको सॉल्व कर दीजिए टू इंटू, अच्छा ये दो का पावर दस कितना होगा, गुना कर लीजिए, दो का पावर दस का मतलब क्या आपको समझना है कि लिखा हुआ है दो गुना दो गुना दो गुना दो, ये कितना बार, दस बार, तो गुना कीजिए तो क्या होगा कि देखिए तो दो का दो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुना बत्तीस, बत्तीस दुना चौसठ, चौसठ दुना एक सौ अट्ठाईस, एक सौ अट्ठाईस दुना दो सौ छप्पन, दो सौ छप्पन दुना पाँच सौ बारह, पाँच सौ बारह दुनी का दस सौ चौबीस, तो ये आपका हो गया दस सौ चौबीस। आ इसको जब आप दो से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, चार दुना आठ, दो दुना चार और दस दुना बीस, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया बीस सौ अड़तालीस। ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका ग्यारहवां पद क्या होगा, बीस सौ अड़तालीस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो आपने टेन निकालना सीख लिया, अब देखिए अगला कंसेप्ट कहता है ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है, जिसको हिंदी में गुणोत्तर माध कहा जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, मतलब कि तीन नंबर दिया हुआ है, अगर ये तीनों नंबर जीपी में है तब देन बी विल बी जी एम ऑफ ए एंड सी, मतलब जो बी होगा बीच वाला ये ए और सी का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, गुणोत्तर माध होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पहले आप ये जानिए कि अगर ये तीनों जीपी में है तो आपको ये मालूम है कि इसका जो कॉमन रेशियो होगा इक्वल होगा, यानी कि बी बाई ए बराबर होगा सी बाई बी, यही ना कॉमन रेशियो कहता है, सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब यहां से क्रॉस गुना कर दीजिए, इससे इधर कीजिए इससे इधर कीजिए, तो बी को बी से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए गुना सी मतलब ए सी, ठीक है। यही रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर ए बी सी तीन नंबर जीपी में रहेगा तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, और एपी में क्या होता था कि बी बराबर ए प्लस सी बाई टू होता था। अगर आप एपी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए सी। यहां से कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि सोलह और नौ का है ना गुणोत्तर माध क्या होगा, गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तीन नंबर दिया रहेगा, मान के चलिए कि इसके बीच में क्या है एक्स, एक एक्स है जो इसका गुणोत्तर माध है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, देखिए बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सोलह गुना नौ होगा यहां से, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर सोलह गुना नौ, ठीक है।
तो x बराबर हो जाएगा, अब देखिए 16 के बदले 4 बाहर आएगा और 9 के बदले 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 16 और 9 का गुणोत्तर मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए ये अगला क्वेश्चन अगला कंसेप्ट पे बेस्ड है, कह रहा है कि यदि जीपी के लगातार तीन पदों का गुणनफल 64 है तथा सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो 2 है तो पद क्या क्या है बताना है। ठीक है, तो देखिए जब जीपी में लगातार तीन पद का बात बोले, थ्री टर्म का बात बोले, तो आपको जीपी में नंबर क्या क्या लेना है, आप नंबर लीजिएगा ए बाई आर, ए और ए आर। हमेशा यही, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लगातार थ्री टर्म ऑफ जीपी है ना इस तरीका से दिया हुआ है तो आपको यही नंबर मानना है, पहला मानिएगा ए बाई आर, दूसरा ए और तीसरा ए आर, तब क्वेश्चन जाके आपका बनेगा आसानी से। देखिए तो कह रहे हैं कि तीन पदों का गुणनफल 64 है, मतलब ये जो तीन पद इसका गुणनफल कितना है 64 है। तो देखिए a by r into a r बराबर क्या है 64 है। अब देखिए r से r कट जाएगा, a गुना a कितना हो गया a cube बराबर 64, तो a बराबर क्या हो गया, इधर से 3 हटेगा तो इधर क्यूब रूट बन जाएगा ना 64। अब देखिए 64 इसके आगे 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, तीन का पेयर बना के आगे निकलेगा, मतलब 4 गुना 4 गुना 4 64 भी इतना लिख सकते हैं ना, 16 चौका 64, तो ये अंदर से 3 के बदले 1 बाहर निकलेगा, यानी कि आपका a बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो सीरीज क्या मिलेगा, वो नंबर क्या है जो जीपी में है, तो पहला नंबर है a बाई आर यानी कि 4/2, क्यों, क्योंकि r यहां पर देखिए 2 है। दूसरा मिलेगा a यानी कि 4, तीसरा मिलेगा ए आर यानी कि 4 गुना r है 2। ये देखिए काट दीजिए दो बार में, 2 4 8, यही तीन नंबर है जो जीपी में है जिसके लगातार तीनों पद का गुणनफल 64 है और इसका कॉमन रेशियो 2 है। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कह रहा है कि जो सीरीज दिया हुआ है इसका योग निकालना है, बताइए योग क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पहुंच गए, अगला कंसेप्ट है ये सम ऑफ एन टर्म, किसी भी जीपी के एन टर्म का सम निकालना है, यानी कि एसएन आपको निकालना है। तो एसएन बराबर याद रखिएगा होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन बटे में आर माइनस वन, कब, इफ आर ग्रेटर देन वन, कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, आर जो है वन से बड़ा रहेगा, आर वन से बड़ा रहेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, और एस एन बराबर ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन बाई वन माइनस आर, कंडीशन है कि आर लेस देन वन। ठीक है, समझ गए ना सम ऑफ एन टर्म। देखिए याद कैसे रखेंगे, जब आर एक से बड़ा होगा तो आर यहाँ पहले रहेगा, ठीक है, आर में से एक घटाएंगे, और जब आर एक से छोटा होगा तो एक में से आर को घटाएंगे और आर का पावर एन रहेगा। ये सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी है, तो इसको जब बनाने जाइएगा तो यहाँ देखिए तो a बराबर कितना है, a बराबर तो 1 है पहला टर्म, और r क्या है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। cr के लिए बताए ना आपको कि सेकेंड वाले टर्म को उसके आगे वाले टर्म को पीछे वाले से भाग दे दीजिए, तो 3 का स्क्वायर को 3 से भाग दीजिएगा तो 3 से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 3 आ गया, कॉमन रेशियो 3 आ गया। अब आपको निकाल देना है क्या, इसका योग बताना है, sn आपको यहाँ पे बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए एसएन बताना है तो यहाँ पे जो एन का वैल्यू होगा, देखिए ये 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 4 है, 3 का पावर n है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 का पावर 1 है, मतलब 1 से लेकर के एन तक तो केवल 3 ही है, और उसमें एक वो पद ये बढ़ रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक एन टर्म एक वो एक है, तो टोटल यहाँ पे टर्म कितना हो गया एन प्लस वन। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए एन का वैल्यू आपका जो है एन प्लस 1 है, कंफ्यूज नहीं ना किए, देखिए यहां से लेके यहीं तक n हो गया, यहां से यहां तक n हो गया, 1 2 3 4 5 n तक, ये वही आगे वाला टर्म, तो sn बराबर हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि r का वैल्यू जो है ये 3 है जो कि 1 से अधिक है,
तो इसको अप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा a इंटू आर का पावर n माइनस वन बटा आर माइनस वन। यहां देखिए a के जगह पर वन इंटू आर के जगह पर थ्री ब्रैकेट आ n, तो n के जगह पे होगा n प्लस वन, n प्लस वन, n नहीं होगा क्यों, n प्लस वन माइनस वन और बटा में ये ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए, अब बटा में हो जाएगा r माइनस वन, मतलब कि r के जगह पे थ्री माइनस वन। आंसर क्या हुआ इसका फाइनल, देखिए ये क्या हो गया थ्री का पावर n प्लस वन माइनस वन बटा में तीन में से एक गया दो, ठीक है, इसका आंसर ये वाला आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू का स्क्वायर इस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसके n पद का योग बताइए। तो सबसे पहले यहां देखिए a बराबर कितना है, वन है, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो जो है आपका क्या निकलेगा, हम क्या बोले आगे वाले को पहले वाले से भाग दीजिए, देखिए वन बाई टू का स्क्वायर अब बटा में वन बाई टू से आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है, तो ये आपको बनाने आता है ना, ये क्या होगा देखिए, तो वन बाई टू का स्क्वायर है इंटू ये वाला टू आ जाएगा ऊपर और ये वाला आ जाएगा नीचे, तो ई टू से पावर कट गया, यानी कि इसका कॉमन रेशियो कितना आ गया एक बटा दो, आर का वैल्यू कितना आ गया, ये आर का वैल्यू कितना आ गया एक बटा दो, ठीक है। अच्छा यहां देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, हम जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, यहां पे हम n का वैल्यू n प्लस वन लिए, क्यों, क्योंकि यहां देखिए ये लास्ट टर्म जो यहां लिखा है लास्ट टर्म दे दिया थ्री का पावर n, मतलब आपको पता चल गया यहां से यहां तक n टर्म है, इसमें लास्ट वाला टर्म जो है वन बाई टू का पावर n नहीं है, ठीक है, इसका जो है आगे बढ़ते जा रहा है, तो एक से लेके n पद बोला माने इनफाइनाइट तक जो जहां तक जाएगा n तक जाएगा वो सारे वैल्यू जो होंगे नंबर ऑफ टर्म जो होंगे इस केस में केवल n ही होंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लगाइएगा एस एन बराबर ए, ये वाला फॉर्मूला देखिए, यहां जो r का वैल्यू है ये क्या है एक से छोटा है, तो एक से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगेगा, तो एस एन बराबर हो जाएगा ए यानी एक जगह पर वन इंटू वन माइनस, देखिए r का पावर n है तो r कितना है वन बाई टू है, तो वन बाई टू इसका पावर n है, मतलब क्या हो जाएगा ये टू का पावर n हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको मिटा दीजिए, आई पूरे का पावर लिख दीजिए n, अब खुश हैं और इसको ऐसे घेर दीजिए, बटा में क्या हो गया वन, देखिए वन माइनस आर तो हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो गया वन माइनस वन बाई टू का पावर n, मतलब वन बाई टू का पावर n, अब बटा में एक में से एक बटा दू घटाइएगा तो क्या होगा एक बटा दू ही ना होगा, नीचे हो गया एक बटा दू, जिनको इसमें भी दिक्कत है इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले घटा लीजिए एक बटा दू ही आएगा। आगे देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा टू का पावर एन, यहां हो जाएगा टू का पावर एन माइनस वन और नीचे में हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है। आगे देखिए इसको जब सॉल्व करने जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा टू का पावर एन माइनस वन बटा में टू का पावर एन इंटू, देखिए ये वाला उलट जाएगा टू जाएगा ऊपर वन आएगा नीचे, ठीक है, जगह कम पड़ रहा है इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए इसके बाद यहां देखिएगा, इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं, कह रहा है कि क्या आ गया 2 का पावर n माइनस वन बटा में 2 का पावर 1 n इंटू, देखिए ये 1 2 बाई 1 है ना, तो अगर इस 2 को आप नीचे ले आइएगा तो इसके पावर का साइन बदल जाएगा, मतलब 2 के पावर अभी कुछ भी नहीं है तो मान के चलिए 1 है, नीचे जब आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 बाई 2 का पावर माइनस 1, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, ऊपर में हो गया 2 का पावर n माइनस 1 बटा में, ये देखिए ये दोनों गुना में है ना, गुना में है और बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, शॉर्ट साइन इंडिसेस में पढ़ाए थे हम, ये नीचे क्या हो गया 2 का पावर n माइनस 1, आपका यही हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये जो सीरीज था इसके n टर्म का अगर जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2 का पावर n माइनस 1 अब बटा में, ये देखिए
ये जो माइनस वन है बेस के साथ है और ये जो माइनस वन है पावर के साथ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ये लास्ट कंसेप्ट है और बेस्ट कंसेप्ट है। कह रहा है कि जो सीरीज दिया हुआ है इसके अनंत पदों का योग बताइए, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। इसके पहले आप देखे सम ऑफ एन टर्म, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म है, यानी कि आपको यूज करना है एस इनफिनिटी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो होगा वो होता है ए बाई वन माइनस आर, ध्यान रखिएगा। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म है जीपी का। तो यहां देखिए तो ए बराबर कितना है वन, कॉमन रेशियो आर कितना है भाई, तो एक बटा तीन का स्क्वायर है, इसमें भाग दे दीजिए एक बटा तीन से, निकाल लीजिए एक बटा तीन का स्क्वायर गुना तीन बटा एक कट गया, यानी कि आ गया वन बाई थ्री। आपका आर कितना आ गया वन बाई थ्री, तो एस इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा ए यानी कि वन बाई वन माइनस आर के जगह पर वन बाई थ्री, वन बाई थ्री सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा ये वन बाई, नीचे वाले कैल्सियम लीजिएगा तो थ्री, यहाँ पे हो गया थ्री माइनस वन यानी कि वन बाई वन, ये वन है इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप मान लीजिए वन है, ठीक है। ये क्या हो गया दो बटा तीन, तीन में से एक गया दो तीन, अब ये उलट जाएगा वन बाई वन इंटू थ्री बाई टू यानी कि थ्री बाई टू। इस क्वेश्चन का आंसर जो हुआ क्या हुआ थ्री बाई टू हुआ इसके इनफाइनाइट टर्म का सम, ठीक है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।